हेलो दोस्तों, आज डिटॉक्सिफिकेशन की जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे कि आज शाम 6 बजे से हम लाइव करेंगे, तो 6 बज चुका है और हम रेडी हैं। क्या आप भी रेडी हैं? क्योंकि इसका मिरेकल्स फील करने के लिए आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिजिकल डिटॉक्स है। इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन पहले जो प्रोसेस है, जो डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है, उसको समझते लेते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, उसका कंप्लीशन तक फॉलो करेंगे। उसके बाद हम उसका जो इफेक्ट्स है और उसके बाद हम क्या क्या अपना सकते हैं, एडाप्ट कर सकते हैं फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए, हम 4 इंग्रेडिएंट्स की बात किए थे। ये है टॉप, जिसमें आप दोनों पैर पैरेलली रख सकते हैं, और उसमें एंकल, ये जो फीट देख रहे हैं, ये फीट एंकल ऊपर तक पानी रहना चाहिए। वो भी लिव वार्म वाटर, जितना आपको टॉलरेबल है। तो इसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, वार्म वाटर भरा हुआ है, तो इसमें पैर रखने से पहले हमको डालना है रॉक सॉल्ट, क्योंकि रॉक सॉल्ट में बहुत ही फायदेमंद प्रॉपर्टीज है। आप सर्च कर सकते हैं, ये कहीं से भी आपको मिल जाएगा, जहां से आप पूजा सामग्री खरीदते हैं, नहीं तो अमेजन वगैरह से आप मंगा सकते हैं। ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, बॉडी से टॉक्सिन रिमूव करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर इसको वाटर में डालेंगे या लिव वार्म वाटर में डालेंगे, तो इसके ऊपर जब पैर रखेंगे, तो हमारा बॉडी से नेगेटिव एनर्जी, जितना भी नेगेटिव एनर्जी, वो एब्जर्व कर लेगा, वो निकल देगा। तो इसी का 2 स्पून इसमें डालते हैं। इतना काफी है। तो ये देख लीजिए, रॉक सॉल्ट है, इसको डालते हैं और एक बार आपको 2 स्पून लेना है। ये आ गया रॉक सॉल्ट, इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं पानी के साथ। तो इसके ऊपर हम दोनों पैर पैरेलली रखना है, दोनों पैर को हम पैरेलली रखते हैं। कोई पैर किसी को टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर टच करेंगे तो फिर नेगेटिव एनर्जी जो निकलेगा, वो नेगेटिव एनर्जी दोनों पैर से रह जाता है। लेकिन ये अगर पैरेलली रहेगा, ये पृथक पृथक जगह पे रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, तो दोनों पैर से हमको नेगेटिव एनर्जी निकालना है। और एक इंग्रेडिएंट्स के बात हम किए थे, जप माला, क्योंकि हम यहाँ पे स्पिरिचुअल हीलिंग की बात किए थे। अगर फिजिकल डिटॉक्सिफाई करना है, ये 108 है, रुद्राक्ष की है, तो इसी से हम जप करेंगे 108 गायत्री मंत्र, क्योंकि गायत्री मंत्र का फायदा आप सभी लोग को पता है। गायत्री मंत्र एक ऐसा पावरफुल मंत्र है इंडियन वेद में, क्योंकि वेद माता बोला जाता है, जो 4 वेद का मदर है, तो उन्हीं का मंत्र है जो कि हर किसी को फायदा देता है। अगर आप कंटिन्यूअसली गायत्री मंत्र जप करेंगे, उसका टाइमिंग भी है, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं, नहीं तो शाम को कर सकते हैं, जो कि दोनों टाइम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनवायरमेंट में, उसी टाइम अगर गायत्री मंत्र के साथ आप जप करेंगे 108 टाइम्स रेगुलरली या डेली, तो आपकी लाइफ में जो चेंजेस, जो मिराकल्स आने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें, आप सोच रहे हैं कि फिजिकल डिटॉक्स करेंगे तो गायत्री मंत्र का क्या जरूरत है। अगर रेगुलरली आप गायत्री मंत्र जप करेंगे, तो स्ट्रेस एंजाइटी लेवल नहीं रहता है, आपके नर्वस सिस्टम को ये बहुत ही बैलेंस करता है, ये बहुत ही इफेक्टिव है नर्वस सिस्टम के लिए, आपके हार्ट के लिए इफेक्टिव है, आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए इफेक्टिव है, ये बहुत सारा फायदा देता है। और एनर्जेटिकली अगर देखें, तो ये हाई वाइब है, ये आपकी हर एक गायत्री मंत्र की हर एक वर्ड आपको हाई वाइब्रेशनल एनर्जी आपके अंदर डालेगा। तो ये नेगेटिव, अगर बॉडी से हमको डिटॉक्सिफाई करना है नेगेटिव एनर्जी को, फिजिकल या मेंटली या इमोशनल, तो गायत्री मंत्र का जपना बहुत ही जरूरी है। आप जप सकते हैं, और कोई आपकी जो भी अलमाइटी है, जो भी आप गॉड को मानते हैं, उनका कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन हम चलेंगे गायत्री मंत्र के साथ। और ये जो मेरा अभी पैर रह चुका है वार्म वाटर विथ रॉक सॉल्ट, तो चलिए डेमोन्स्ट्रेशन को शुरू करते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है, इसको 108 तक
हम काउंट करेंगे, गायत्री मंत्र जप करेंगे, उसके बाद हम फिर से डिस्कशन करेंगे। ये जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे और क्या क्या प्रोसेस अपना सकता है फिजिकल डिटॉक्सिफाई करने के लिए, क्योंकि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी क्राइटेरिया, जो भी प्रॉपर्टीज हम एडॉप्ट करना चाहते हैं हमारे पर्सनालिटी में, हमारा लाइफ में, हमारा जो डेली एक्टिविटी में, वो सारे अपने आप नहीं आएगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। आपके अंदर अगर वो क्वालिटीज को लाना है तो आपको ये सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप डिटॉक्सिफाई नहीं होंगे, खुद को डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे, तो आप बाहर से वो सारे चीज नहीं ला सकते। आपके अंदर है, आपको डेवलप करना है, तो डेवलप कैसे करेंगे, एक एक प्रोसेस हम लाइव यहाँ से डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, एक सीरीज चल रहा है, तो आज इसका पहला कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरे साथ जुड़ी रहिए, क्योंकि ये 108 खत्म होने के बाद हम बात करेंगे कि फिजिकली और क्या क्या प्रोसेस को अपना सकते हैं। आप भी कीजिए, अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप क्वेरी जरूर पूछिएगा, हम आंसर जरूर देंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं 108 टाइम्स लाइव गायत्री मंत्र का जप करते हैं। पहले तीन बार हम ओम ध्वनि लेंगे, ओम ध्वनि के साथ तीन बार ओम ध्वनि लेने के बाद हम शुरू करेंगे 108। चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, आप जुड़ेंगे तो आपको फायदा मिलेगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको स्ट्रेट बैठना है, क्योंकि स्पाइन को स्ट्रेट जितना रखेंगे उतना फायदेमंद है। इतना टाइम तक आपको पेशेंस, धैर्य बहुत बड़ा चीज है, उसको पकड़ के रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मुद्रा आप रख सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली बैठ सकते हैं। मैं प्रिफेयर करूंगा ये जो ज्ञान मुद्रा है ये टच करेगा, इसके साथ में जाने के लिए मैं प्रिफेयर करूंगा। तस्वितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः
तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयत्।
ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः
तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 108 टाइम्स गायत्री मंत्र का जप है, अभी भी पैर उसमें है, नमनेस आ चुकी है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको यनिंग, वीकनेस या सर घुमाना ऐसा सिम्टम दिख सकता है, या बॉडी वीक लग सकता है, या माइंड ब्लैंक हो सकता है, या कुछ महसूस तो एनर्जेटिकली जरूर हो सकता है। उसके लिए घबराइए मत, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। ये दिखने में सुनने में जितना सिंपल है इतना सिंपल नहीं है। आप घर पे करके देखिए। इसके 2 टाइम्स अगर मंथली करेंगे, अमावस और जो फुल मून एंड नो मून, ये दोनों डे में अगर आप इसको करेंगे, वो भी फास्टिंग रह के शाम को 6 बजे से 8 बजे के अंदर, या 5 से 8, 5 से 7 प्रिफरेबल टाइम है, 5 PM से 7 PM। अगर मंथली 2 टाइम्स फुल मून एंड नो मून, ये 2 डेज में आप फास्टिंग रह के दिन भर लाइट फूड या जूस, जितना फ्रूट जूस जितना हो सकता है आप ले सकते हैं, या लाइट फूड या फ्रूट्स खा सकते हैं, और उसी दिन शाम को 5 से 7 बजे के अंदर अगर ये प्रोसेस को मंथली 2 टाइम्स करते रहेंगे, तब देखिए इमीडिएटली 1 महीना 2 महीना 3 महीना के बाद
आपकी लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं, आपकी बॉडी में जो चेंजेस आने वाले हैं, वो आप सोच भी नहीं सकते। ये बहुत ही मिराकुलस प्रोसेस है, आप इसको ट्राई जरूर कर सकते हैं। अगर फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें, और इसमें अगर जिन लोग की ऑरा में एनर्जेटिकली बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी है, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा नेगेटिविटी है, तो आप जरूर इसको ट्राई कीजिए। क्योंकि अगर आपके लाइफ में बहुत सारा नेगेटिविटी से आप घिरे हुए हैं, आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में, माइंड में, सोल में हर जगह नेगेटिविटी भरा हुआ है, तो आप ये एक्सरसाइज जब करेंगे आपको बहुत सारा सिम्टम आएगा। आपकी ये जो पानी है, ये जो वाटर है, ब्लैक हो सकता है, ये बहुत पॉसिबल है अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है। नहीं तो आपको यर्निंग आ सकता है, आपको वीकनेस आ सकता है, सर घुमा सकता है। तो इसीलिए जहाँ पे बैठेंगे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके बैठना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता नहीं है कि कितना नेगेटिव एनर्जी से आप घिरे हुए हैं। सेकेंड थिंग, फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन की और अगर प्रोसेस की बात करें, तो आपको और क्या क्या करना चाहिए इसके साथ। पहले मैं 5 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करना जरूर चाहूंगा, क्योंकि आप लाइव है, अगर इसको कर रहे हैं, इसके साथ 5 थिंग्स को आप रेगुलरली कीजिए। पहला थिंग क्या है, आप डेली कुछ भी एक्सरसाइज, योगा या ब्रेदिंग, ब्रेदिंग, योगा, एक्सरसाइज, ये तीनों में से अगर तीनों की कुछ कुछ कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो वो भी अच्छा है। अगर तीनों से कोई एक को भी अडॉप्ट कर रहे वो भी अच्छा है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, आप कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ योगा एंड कुछ ब्रेदिंग का टिप्स लेकर आप सीख सकते हैं। आपको ये जरूरी नहीं है कि किसी के पास जाने का जरूरी नहीं है, आप घर बैठकर सीख सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेस है। आपके पास जिम का फैसिलिटी नहीं है, छोड़ दीजिए जिम की बात, आप कुछ स्ट्रेचिंग ऑनलाइन से सीख लीजिए, यूट्यूब से सीख लीजिए, आप उसको ट्राई करते रहिए। आपको बस ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना के आपको चलना है उसके साथ। डेली मिनिमम 40 to 45 मिनट्स इसका हैबिट बना लीजिए सुबह उठ के। सेकेंड जो थिंग है, फूड्स। फूड में आपको कोई केमिकल्स या पैकेट फूड ले ही लेना है। आपको हर वक्त वेजिटेबल्स, सफिशियंट वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के ऊपर डिपेंड करना है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। थर्ड थिंग है वाटर। आपको प्यूरिफाइड वाटर 8 ग्लास, मिनिमम 8 ग्लास पर डे, या 4 to 6 लीटर्स, आइदर 8 ग्लास नहीं तो 4 to 6 लीटर्स आपको वाटर लेना ही लेना है, वो भी प्यूरिफाइड। आपको कोई टैप वाटर नहीं चलेगा, आपको प्यूरिफाइड या डिस्टिल वाटर आपको लेना है, 4 to 6 लीटर या 8 ग्लास। फोर्थ पॉइंट है मी टाइम। डेली आपको कुछ वक्त आप खुद के लिए करिए, मी टाइम जिसको बोलते हैं, या सेल्फ टाइम। उसमें करेंगे क्या, आप उसमें ऐसा एक्टिविटी करते रहिए जिसमें आपको खुशी मिलता होगा। आप कोई हॉबीज को, आप कोई पैशन है, आपके पास जो भी, जो एक्टिविटी में आपको मन लगता है, जो एक्टिविटी आपको खुशी देता है, या जिसके साथ टाइम स्पेंड करने में आपको अच्छा लगता है, वो हैबिट, वो पर्सन, वो रिलेटिव्स के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए, या खुद के साथ। मी टाइम मतलब आपको जो चीज में खुशी मिल रही है आप उसके साथ। मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा, आपके पास अगर कोई हॉबी है या पैशन है, मान लीजिए आप कोई प्रोफेशनल है, आपको आर्ट करना अच्छा लगता है, तो आप आर्ट कीजिए उसी टाइम। आपको डांस करना अच्छा लगता है, आप डांस कीजिए। आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आप गाना गाइए। आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, तो नेचर को देखिए, नेचर के साथ बातें कीजिए। ये मी टाइम हर दिन आपके लिए 5 to 10 मिनट्स एटलीस्ट रखिए। द लास्ट पॉइंट, रेस्ट। वी नीड सफिशियंट रेस्ट फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप, गुड स्लीप। क्योंकि आज इंसोमनिया, स्लीपलेसनेस इंडिया की बहुत बड़ी बीमारी है। आपको सोना है, जो कि हमारा बर्थराइट है। आप सोचिए, आप सो नहीं पा रहे, तो जिंदगी रख के फायदा क्या है, अब जिंदगी जिएंगे कैसे? तो ये 5 चीज को अगर अपना सकते हैं फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, नंबर 1 पॉइंट आपको करना क्या है, आपको योगा, एक्सरसाइज एंड ब्रेदिंग, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना है। आप सिर्फ जिम के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, आप सिर्फ योगा के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्राणायाम के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। आप इसमें कुछ, उसमें कुछ और उसमें कुछ, कुछ योगा पोस्चर, कुछ ब्रेदिंग एक्सरसाइजेस एंड कुछ आपके जो एक्सरसाइजेस है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, ये तीनों की कॉम्बिनेशन बना लीजिए 40-45 मिनट्स या 1 आवर तक, उसको करिए डेली। फूड आपको
जो इनटेक हम ले रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, उसमें बहुत सारा कॉन्शियसनेस अवेयरनेस होना जरूरी है। तो उसको करते रहिए, सफिशेंट वाटर लीजिए, आपको रेस्ट लेना है और आपकी मी टाइम, सेल्फ टाइम आपको निकालना है। कुछ भी करके आप निकालिए। ये 5 पॉइंट्स को याद रखिए। उसके साथ अगर ये प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे, ये जो फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन को प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे, तो आप भी आपकी लाइफ में चेंजेस जो आएगा वो आप खुद महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि ये जो गायत्री मंत्र का जप है ये बहुत ही पावरफुल है। मैं काफ़ी सालों से इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डेली ट्राई करता हूँ टाइम निकालने के लिए, और डेली निकालता हूँ भी, और उसका फायदा मैं देखा हूँ। मेरा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं खुद किया हूँ उसी के बारे में इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका भी रिलेटेड वीडियो आने वाला है, आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पेज पे। इसका नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन एंड इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। आपकी अगर कुछ क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं, या मेरे को पर्सनली मेरा पेज से मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। ये एक्सपीरियंस को ट्राई कीजिए, ये प्रोसेस को ट्राई कीजिए। अगर आपके कहीं पे कुछ डाउट्स है या कुछ फील किए, आपकी जो फीलिंग्स है आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे साथ अगर जुड़ेंगे, ये पेज जो ट्रेन योर माइंड पेज के साथ अगर जुड़ेंगे, हम सीरीज बाय सीरीज आपकी हेल्थ के साथ, आपकी आप कैसे हेल्दी रह सकते, आप कैसे हैप्पी रह सकते, उसके लिए हमारा प्रयास जारी है। हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि आपको ओवरऑली वेलबींग की तरफ ले जाएगा। तो ये पेज को आप जुड़े रहिए पेज के साथ। अगर ऐसे बहुत सारा प्रोसेस आने वाला है जो कि प्रैक्टिकली लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो भी करना है हमको प्रैक्टिकली करना है। और मेंटल हेल्थ की बात करें, अब फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस हो गया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे वाइटल है मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, वो भी आने वाले सैटरडे को लाइव है। आप उसके लिए भी डेट और टाइमिंग नोट कर लीजिए, क्योंकि वो रात 10 बजे से लाइव होगा। आपकी जब आप सोने जाएंगे 10 बजे से पहले आप सारे काम खत्म कर लीजिए, और 10 ठीक राइट 10 PM सैटरडे 10 PM को आप मोबाइल, उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मोबाइल चाहिए और ईयरफोन चाहिए, क्योंकि वो इमोशनली एंड मेंटली हम आपको डिटॉक्सिफाई करेंगे। वो भी 1 आवर का सेशन रहेगा, रात 10 बजे से 11 बजे तक। तो आपको रात 10 बजे से हमारा YouTube चैनल ऑन करना है, जो कि डॉक्टर सत्यमंडल या ट्रेन योर माइंड आप सर्च कर सकते हैं, उसके साथ जुड़िए, क्योंकि वो लाइव रहेगा YouTube पे। तो आप YouTube पे जैसे ही रात 10 बजे एंटर करेंगे हमारा चैनल पे, वो लाइव आपको मिलेगा डिटॉक्सिफिकेशन, जो कि मेंटल एंड इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन होगा। तो उसको भी फॉलो कीजिए, और उसका मिरेकल्स भी आने वाले टाइम में आपको मिल सकता है। तो चलिए, इसी नोट्स के साथ आज इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ हमारा प्रायोरिटी बन चुका है। आप हेल्दी है तो हमारा सोसाइटी भी हेल्दी रह सकता है। तो इसलिए आपकी हेल्थ हमारी पहला जो मकसद है, आपको हेल्दी रखना, इसी के ऊपर हम दिन रात मेहनत करके आपके पास जो भी पॉसिबल है वो सारे रिसोर्सेस और सारे नॉलेज आपके पास पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ स्टार्ट कीजिए, आपको सिर्फ चलना शुरू करना है, आप शुरू कीजिए। अगर कुछ बेनिफिट्स नहीं हुआ है तो हमको बताइए, क्योंकि ये 1000 ईयर्स हो गया, इसका बहुत सारा बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचा रहा है। ये लाखों लोग इसको ट्राई कर रहे हैं, लाखों लोग इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको फॉलो कर रहे हैं। ये सालों से ये सारे प्रोसेस है, हमारे वेदों में है, हमारे शास्त्रों में है, हमारे माइथोलॉजी में है, लेकिन हम भूल चुके हैं। तो जो चीज़ हम भूल चुके हैं उसी को थोड़ा सा अवेयर कराने के लिए, उसी का थोड़ा सा फायदा आपको दिखाने के लिए हमारा कोशिश रहेगा, क्योंकि आपकी हेल्थ आपके लिए जरूरी है। हम फिट है तो हमारी दुनिया भी हिट है। इसी नोट्स के साथ इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं।